इस आदमी को समुन्दर में एक फूलदान मिलता है। वो घर आकर जब उस फूलदान को साफ करने लगा तो फूलदान चमकने लगा और फिर उसमें से एक खूबसूरत लड़की बाहर निकलती है। वो लड़की उस आदमी की तीन इच्छाएं पूरी करना चाहती थी। वैसे उस आदमी का ध्यान उसकी तीन इच्छाओं पर कम और लड़की के बदन पर जाता था। ये आदमी कौन कौन सी तीन इच्छाएं मांगता है, ये देखने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। कहानी की शुरुआत क्रिस नाम के एक आदमी से शुरू होती है जो इस वक्त बीच पर टहल रहा था। क्रिस के साथ उसका पालतू कुत्ता सैमी भी था। क्रिस बीच के पास ही रहता था इसलिए वो रोज यहाँ टहलने आता था। वैसे क्रिस पहले एक सिंगर था लेकिन आजकल उसने गाना बंद किया है। बीच पर कुछ देर टहलने के बाद क्रिस एक जगह पर बैठ जाता है। वो बैठकर खुद भी खाना खाता है और अपने पालतू कुत्ते सैमी को भी खाना खिलाता है। खाना खाने के बाद क्रिस जैसे ही आराम करने लगा तभी उसे लगा कि समुन्दर में कोई डूब रहा है। वो जल्दी से लाइफ गार्ड के घर की तरफ भागता है क्योंकि उसे अच्छे से तैरना नहीं आता था। लेकिन न तो लाइफगार्ड के घर की हालत ठीक थी और न ही उस घर में लाइफगार्ड था। अब क्रिस उस घर की टूटी हुई खिड़की उठाकर खुद ही समुन्दर की तरफ बढ़ने लगा और फिर जल्द ही वो समुन्दर में कूद गया। लाइफगार्ड पास ही टहल रहा था और उसने क्रिस को पानी में देख लिया। समुन्दर में क्रिस को कोई भी नजर नहीं आता। उसे वहम हुआ था कि कोई डूब रहा है और इसी वजह से अब उसकी जान खतरे में पड़ चुकी थी। धीरे धीरे वो पानी में डूबने लगा। तब पानी के अंदर उसे एक फूलदान मिलता है और तभी बेवन भी उसके पास पहुंच जाता है। जल्द ही बेवन ने क्रिस को पानी के बाहर निकाल लिया था जिस कारण आज क्रिस की जान बची थी। वैसे ये दोनों काफी अच्छे दोस्त भी थे और एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे। थोड़ी ही देर बाद क्रिस वो फूलदान लेकर अपने घर आता है। वो उस फूलदान को टेबल पर रख कर घर के काम करने लगा। वो घर में अकेला ही रहता था। घर के काम करने के बाद वो थोड़ा सा आराम भी करता है। रात को क्रिस अपनी बाइक उठाकर पास वाले बार में आता है। वो रोज दारू पीता था और दारू पीने इसी बार में आता था। आज क्रिस जैसे ही दारू पीने लगा तभी उसके पास हाइमन नाम का एक आदमी आता है। हाइमन एक म्यूजिक कंपनी का मालिक था और क्रिस भी उसे अच्छे से जानता था। हाइमन चाहता था कि क्रिस फिर से गाने लगे और उसकी कंपनी के लिए गाए, मगर क्रिस ने गाने से साफ साफ मना कर दिया। हाइमन उसे पैसों का भी लालच देता है लेकिन क्रिस फिर भी नहीं मानता। दरअसल पिछले महीने ही क्रिस का अपने छोटे भाई जिमी के साथ झगड़ा हो गया था। जिमी भी गाना चाहता था। वो चाहता था कि क्रिस उसकी मदद करे लेकिन क्रिस उसकी मदद करने से साफ मना कर देता है। इस पर जिमी गुस्से में आकर उसके घर से तो निकल गया लेकिन रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है। बस उसी दिन से क्रिस ने गाना बंद कर दिया था जिस दिन उसके भाई की मौत हो गई थी। क्रिस को लग रहा था कि उसने जिमी की मदद नहीं की इसलिए उसका एक्सीडेंट हुआ था। घर पहुंचकर क्रिस पहले उस फूलदान को साफ करता है और फिर वहीं बैठकर आराम करने लगता है। फूलदान को साफ करते करते उसने उसे रगड़ दिया था जिस कारण घर के आसपास तेज हवाएं चलने लगी थी। देखते ही देखते फूलदान चमकने लगा और यह देखकर क्रिस भी डर गया। अब जल्द ही फूलदान से एक खूबसूरत सी लड़की निकलती है। क्रिस हैरान होकर ये सब देख रहा था। उस फूलदान में से एक लड़की बाहर निकलकर उससे कहती है कि मेरा नाम रूही है और मैं तुम्हारी गुलाम हूँ। क्रिस का ध्यान उसकी बातों पर कम लेकिन उसके बड़े बड़े तरबूजों पर ज्यादा था। क्रिस की नजरों को पहचान कर रूही ने क्रिस की ही एक शर्ट पहन ली। वो अब जैसे ही क्रिस के पास आने लगती है तो वो डर कर पीछे हटने लगता है। तभी रूही उसे समझाती है कि मैं तुम्हारी तीन इच्छाएं पूरी करके यहाँ से चली जाऊंगी। क्रिस को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। वो खुद को संभाल कर मजाक में कहता है, मैं अभी बारिश देखना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर रूही अपना जादू करती है और वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है। क्रिस जहाँ रहता था वहाँ बारिश नहीं होती थी इसीलिए अब वो बेहद ही हैरान था। बारिश इतने जोर से होती है कि क्रिस के घर के छत से भी पानी गिरने लगा था। क्रिस की पहली इच्छा पूरी कर रूही भी बेहद खुश थी। वो जल्दी जल्दी उसकी इच्छाओं को पूरी करके आजाद होना चाहती थी। कुछ ही देर बाद बारिश बंद हो जाती है। अब रूही क्रिस की दूसरी इच्छा पूरी करना चाहती थी। अब रूही क्रिस से उसकी दूसरी इच्छा पूछती है लेकिन क्रिस कहता है कि मेरी कोई इच्छा नहीं है इसलिए अब तुम यहाँ से जा सकती हो। उसकी बात सुनकर रूही उसे समझाती है कि मैं तुम्हारी तीन इच्छाएं पूरी करने के बाद ही यहाँ से जा सकती हूँ।
क्रिस के पास अब कोई इच्छा नहीं थी और रूही भी इस कारण वहां से जा नहीं सकती थी। आखिर रूही फैसला करती है कि वो क्रिस के साथ तब तक रहेगी जब तक उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती। अगले दिन क्रिस अपने घर के बाहर खड़ा था जबकि रूही उसके वो कपड़े देख रही थी जो उसे फिट आ सके। तब रूही उससे फिर से पूछती है कि तुम अपनी बाकी की दो इच्छाएं क्यों नहीं बता रहे। तब क्रिस उसे अपने भाई की मौत के बारे में बताता है, साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि मेरे भाई के मौत के साथ ही मेरी इच्छाएं मर गई है। रात को क्रिस रूही को उसी बार में लेकर जाता है जहां वो अक्सर आया करता था। दोनों यहां आकर जमकर दारू पीते हैं। बार में बेवन भी दारू पी रहा था, तभी क्रिस रूही को बेवन से मिलवाता है और फिर वो वहां से चले जाते हैं। दोनों ने आज काफी दारू पी ली थी जिस कारण वो घर आते ही एक दूसरे का पानी निकालने लगे। अगले दिन भी वो दोनों साथ साथ घूमते फिरते हैं। दोनों कुछ वक्त एक झील के पास बिताते हैं और फिर बीच पर चले जाते हैं। रात होते ही वो दोनों फिर से घपाघप करके एक दूसरे का पानी निकालने लगे। अगले दिन हाइमन लीज नाम के एक लड़की के पास आता है। लीज भी वहीं आसपास रहती थी और वो क्रिस की अच्छी दोस्त भी थी। हाइमन किसी भी तरह क्रिस को गाने के लिए मनाना चाहता था और इस कारण वो लीज के पास आता है ताकि वो क्रिस को समझा सके। उसी रात को क्रिस और रूही घपाघप करके एक दूसरे का पानी निकालते हैं। रोज की तरह घपाघप पानी निकालने के बाद रूही फूलदान में चली जाती थी और क्रिस अपने बिस्तर पर ही सो जाता था। अगले दिन रूही सुबह होते ही घर के काम करने लगी। दोनों को साथ साथ रहते कई दिन बीत चुके थे जिस कारण दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। रूही क्रिस के लिए खाना बनाती और क्रिस मजे लेकर वो खाना खाता। एक रात रूही क्रिस से कहती है कि मैं तुमसे बेहद ही प्यार करती हूँ। प्यार का इजहार रूही ने तो कर दिया था लेकिन क्रिस अब भी चुप था। तब रूही उससे पूछती है कि क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो। इस पर क्रिस पहले तो खड़ा हो जाता है और फिर उससे कहता है कि मैं किसी जीनी से प्यार नहीं कर सकता। क्रिस की यह बात सुनकर रूही अब बेहद ही दुखी होती है। वो क्रिस से उसकी बाकी की दो इच्छाएं पूछती है ताकि उन्हें पूरी करके वो उसकी जिंदगी से चली जाए, मगर क्रिस उसे कोई इच्छा नहीं बताता जिस कारण रूही उस पर बेहद ही गुस्सा करती है। कुछ देर बाद रूही बाहर जाने के लिए तैयार थी। वो क्रिस के दोस्त बेवन के साथ बाहर जा रही थी। उसी ने बेवन को बुलाया था और जल्द ही वो उसके साथ चली भी जाती है। जल्द ही वो दोनों उसी बार में आकर दारू पीने लगते हैं। इधर क्रिस भी घर में दारू पी रहा था। रूही जिस तरह बेवन के साथ चली गई थी वो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। रूही के जाने के बाद उसे एहसास हो गया था कि वो रूही के बिना नहीं रह सकता। इसी बीच लीज क्रिस के पास आती है ताकि उससे हाइमन के बारे में बता सके। क्रिस इस वक्त बेहद ही नशे में था। लीज उसके लिए अभी कॉफी बनाती है ताकि उसका नशा कम हो जाए। कॉफी पीते पीते क्रिस उसे रूही के बारे में सब कुछ बता देता है कि वो फूलदान से निकली एक जीनी है। इसके साथ वो लीज को ये भी बताता है कि मैं रूही से बेहद ही प्यार करता हूँ और उसी के पास जा रहा हूँ। लीज को सब कुछ बताकर क्रिस तो वहां से चला गया लेकिन लीज की नजर उसी फूलदान पर जम गई थी। अब थोड़ी ही देर बाद क्रिस उसी बार में रूही के पास पहुंच गया था। वो उसे घर चलने के लिए कहता है लेकिन रूही उसकी कोई बात नहीं मानती। वो कहती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते इसीलिए मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती। इस वक्त रूही उस पर बेहद ही गुस्सा थी। क्रिस उसे समझा कर घर ले जाना चाहता था ताकि वो उसे समझा सके कि वो उससे कितना प्यार करता है। जबकि दूसरी तरफ रूही को ये लग रहा था कि क्रिस अपनी बाकी की दो इच्छाएं बताना चाहता है। वो क्रिस से कहती है कि तुम यहीं अपनी बाकी की दो इच्छाएं बताओ और फिर यहां से चले जाओ। इस पर क्रिस गुस्से में आकर कहता है कि मेरी दूसरी इच्छा ये है कि मुझे साधारण सी लड़की मिल जाए। इस पर रूही कहती है कि तुम्हें जल्द ही साधारण सी लड़की मिल जाएगी। अब क्रिस अपनी तीसरी और आखिरी इच्छा बताता है कि रूही हमेशा हमेशा के लिए वहीं चली जाए जहां से वो यहां पर आई थी। क्रिस की यह तीसरी इच्छा सुनकर रूही की तबीयत खराब होने लगी। उस वक्त क्रिस उसे संभालता है। कुछ देर बाद क्रिस उसे अपने घर ले आया था। रूही की तबीयत इसीलिए खराब हुई थी क्योंकि वो वापस जाना चाहती थी लेकिन उसके पास उसका फूलदान नहीं था। रूही ने क्रिस की तीनों इच्छाएं पूरी कर दी थी। क्रिस की तीसरी इच्छा थी कि रूही वहीं चली जाए जहां से वो यहां पर आई थी। क्रिस की तीसरी इच्छा पूरी करने के लिए उसे फूलदान चाहिए था। तब क्रिस को जल्द ही पता चल जाता है कि फूलदान लीज के पास है। वो जल्दी से भागता हुआ लीज के घर जाता है लेकिन वहां उसे लीज नहीं मिलती। लीज इस वक्त समुन्द्र किनारे बैठी थी और
वो फूलदान उसी के ही पास था। लालच में आकर उसने फूलदान तो उठा लिया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इसमें से जीनी कैसे निकलता है। अगले ही दिन लिज को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उसने लालच में आकर क्रिस को धोखा दिया है। तब लिज वो फूलदान क्रिस को लौटा देती है, जिसके बाद क्रिस रूही को लेकर समुन्दर किनारे आ जाता है। जल्द ही रूही फूलदान में चली जाती है और क्रिस फूलदान को समुन्दर में बहा देता है। अगली सुबह भी क्रिस बीच पर ही था। रूही के जाने के बाद वो इतना दुखी था कि वो रात को बीच पर ही सो गया था। वो जैसे ही नींद से जगता है तो उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है। लड़की बीच पर ही टहल रही थी और वो क्रिस के पास आकर उसकी तबीयत के बारे में पूछने लगती है। तब क्रिस देखता है कि वो लड़की बिल्कुल ही रूही जैसी ही है। तब उसे पता चलता है कि रूही ने उसकी दूसरी इच्छा भी पूरी कर दी थी। क्रिस की दूसरी इच्छा ये थी कि उसे साधारण सी लड़की मिल जाए। तो इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।